हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने थोड़ा सा सूट किया है, दोनों बच्चे बड़े आराम से सो रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे आज थोड़ा सा ये सब देर तक सोए रहे तो काम करने में आसानी होती है और बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए, हालांकि कभी कभी जग भी जाते हैं। तो मन था कि मैं मूंग के लड्डू बनाऊं क्योंकि मेरे पास मूंग है, खड़ा साबुत मूंग है फ्रिज में रखा हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं अलसी की बना दो। तो यहाँ पे ये अलसी है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। छोटा छोटा होता है और ये पानी में चिपचिप सा करता है और इसे मैंने भून के रखा हुआ है। और आज सुबह ना आटे का हलवा बनाए थे और मेरा किचन बहुत इस टाइम बिखरा हुआ है तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी क्लीन अच्छे से नहीं की हूँ, पूरा किचन साफ सुथरा नहीं हुआ है। सुबह खाना बनाया तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और सुबह आटे का हलवा बनाया था ना तो इतना ये बचा हुआ है, भुना हुआ आटा बचा हुआ है। तो अभी इसे मिक्सर में पीस करके गुड़ वाला बनाऊंगी, क्योंकि अलसी के लड्डू गुड़ वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए फटाक से बना लेती हूँ गुड़ वाले अलसी के लड्डू। यहाँ पे मैं मिक्सर में अलसी को पीस रही हूँ छोटे वाले जार में, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला जार है ना वो ख़राब हो चुका है, ख़राब नहीं हो चुका, उसमें पानी लगा हुआ है, मैंने धो के रखा है तो उसमें मैं नहीं पीस पा रही हूँ, उसको सुखाना पड़ेगा। और यहाँ मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और अलसी के लड्डू मैं हमेशा गुड़ में बनाती हूँ, चीनी में बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है, कहते हैं चीनी में बनाओगे तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये होता है ना कि गुड़ अच्छा भी होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो मैं चीनी में बनाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें हमें लगता है कि गुड़ की अच्छी लगेंगी या गुड़ में बन सकती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे गुड़ में ही बनाऊँ, क्योंकि वैसे भी चीनी तो बहुत जहर होता है और वैसे मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। और ठंडी का सीज़न होता है तो मैं इसमें गोंद डालती हूँ, सौंठ भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सौंठ गोंद वगैरह डाल के मैं बहुत अच्छे से लड्डू बनाती हूँ। लेकिन अभी नहीं डालूंगी, है मेरे पास, लेकिन चूंकि गर्मी आ चुकी है, अप्रैल का महीना है तो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म करती हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से गुड़ डालूंगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाऊंगी। पियो का बहुत मन था, मम्मा लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, तभी थोड़ा सा और आटा भूनूंगी, क्योंकि ना ये बहुत गर्म होता है, अलसी जो होता है काफी गर्म होता है। और जब बच्चा उच्चा होता है तो हम खाते हैं, मैं बहुत खाई हूँ दोनों टाइम, क्योंकि मेरे घर की साइड होता है तो मम्मी बना के देती थी कमर दर्द वगैरह के लिए, और ये बहुत पैर दर्द में बहुत अच्छा होता है, काफी अच्छा माना जाता है इसे कमर दर्द वगैरह में, हाथ पैर दर्द करते हैं तो, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा और आटा गूंथ के मिला के फिर आपसे मैं बात करती हूँ। यहाँ पे मैं आटा भून रही हूँ, क्योंकि जो अलसी होता है ना उसे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, वो गर्म होती है, और वैसे भी मैं गर्मी में बना रही हूँ इसका, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन इनका बिल्कुल एकाएक मन कर दिया, लड्डू तो एकाएक प्लान बना है। अगर मैं ऐसे लड्डू बनाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, उसमें मैं सब कुछ डाल करके, और वैसे भी मुझे जाड़े में अच्छा लगता है, क्योंकि ना बिना कुछ डाले मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सब कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में तल करके बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन एकाएक प्लान बना है तो मेरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, जो भी जितना हो पा रहा है उतना ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मखाने भून के रख लिए हैं, इसे मैं मिक्सर में पीस के मिला लूँगी। और मैं हल्दी भून रही हूँ, क्योंकि घी में हल्दी भूनने के बाद ना उसका कलर अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए मिक्सर में पीस के मखाने मिला लूँ, इसमें मैंने मखाने मिला लिए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ मिट्टू को दूध पिलाने, उसके बाद आऊंगी तो इसमें मैं नारियल डालूंगी, किशमिश डालूंगी, काजू डालूंगी, बादाम डालूंगी, और घी से गुड़ मिला करके अच्छे से लड्डू बना दूंगी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मिट्टू को दूध पिलाने, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, फिर मैं लड्डू बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने गुड़ मिला रही हूँ मैं, और यहाँ का जो गुड़ होता है ना बरेली साइड में जो गुड़ मिलता है वो बहुत गीला गीला होता है, तो इसे हमें फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा था, मेरे पास था इसमें किशमिश था, और उसके बाद काजू और बादाम मैंने खलबट्टे में कूट करके रखा हुआ था, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाली हूँ, मूँगफली, अरे सॉरी, मेरे पास नारियल है लेकिन नारियल कसना पड़ेगा। पहले से जब कोई प्लान होता है ना तो अच्छे से मन करता है सारी चीज़ें अच्छे से करो, लेकिन एकाएक हो जाता है, फिर लेट भी हो रहा था, उसके बाद फिर सब किचन साफ करो, ये सारा बर्तन साफ करो, शाम का खाना पानी बच्चों को, तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि ना मैं कोई चीज़ करती हूँ तो प्लान बना के करो ना, तो थोड़ा सा आज कर लिया, थोड़ा सा कल कर लिया तो हो जाता, अब एक ही दिन सब कुछ करो, ऊपर से बच्चे परेशान करें
तो फिर मैंने नहीं थोड़ा जाने दो, इन्होंने भी कहा चलो जाने दो जितना है उसमें निपटा दो। और ये घी गरम किया था मैंने क्योंकि आज बारिश हुई थी तो घी जम गया था, तो इन्होंने ला करके मैंने कढ़ाई में गरम किया था तो इन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालूंगी। और आज सुबह पता है इंस्टाग्राम से एक मैसेज आ रहा था उपासना नाम से, और पता है मुझे तो लग रहा है फर्जी था वो, बार बार आपकी मैं कह रही थी कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ दीदी प्लीज़ हेल्प करो, मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि आपको जो भी हेल्प चाहिए बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बार बार फोर्स किया मुझे आप कॉल करो, ऐसे नहीं बता सकती। मैंने बोला कुछ भी हो आप मुझे ऐसे बताइए, नहीं आप कॉल करो मुझे आपसे कॉल से बात करनी है। फिर मैंने बोला मेरे व्यूज़ नहीं आते मैं आपकी हेल्प क्या करूं, तो उन्होंने कहा नहीं आपके व्यूज़ आने लगेंगे, मैं आपको एक बताऊंगी पता नहीं किस थॉमस नाम की कोई कंपनी है वो आप पे ऐड लगाएगा, बहुत कुछ उन्होंने कहा। मैंने बोला इन सब लफड़ों में मुझे नहीं पढ़ना है। फिर पता है उन्होंने क्या किया, मैंने उनको ना एक वो लिंक दिया, मतलब एक बहुत अच्छे भैया हैं टेक्निकल के, मैंने उनका स्क्रीनशॉट उनके इंस्टाग्राम का लेकर के उनको भेजा, बोला कि आप इनसे बात करिए आपकी सारी हेल्प करेंगे। तो कह रही हैं कि नहीं मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। मैंने बोला सॉरी यार मैं किसी अनजान पर्सन को कॉल नहीं कर सकती, आप मेरे लिए पहली बार आई हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ऐसे कैसे कॉल कर लूँ। लेकिन बहुत फिर उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे उल्टा सीधा बोला, तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकती, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगी, मैं आपको समझती क्या हो, कोई प्रियंका चोपड़ा हो जो लोग तुम्हें उठा के ले जाएंगे, आप ही बताइए अगर कोई इंस्टाग्राम पे पहली बार आया उसे मैं कैसे नंबर दे दूँ। फिर दूसरी बात अगर वो इंसान सही होता तो उसे कोई प्रॉब्लम होती वो मुझसे मैसेज के थ्रू जान सकता था, लेकिन नहीं बार बार कॉल करने के लिए फोर्स करना, ऐसी कौन सी बात थी जो आप मुझसे मैसेज से नहीं पूछ सकती थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत उल्टा सीधा उन्होंने कहा, अब मैंने उनका जो चैनल वो था इंस्टाग्राम मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि मेरे ख्याल से वो कोई फर्जी आईडी था, ऐसे कोई किसी से बात नहीं करता। फिर कोई अगर आपको बार बार फोर्स कर रहा है कॉल करने के लिए, उसकी जो भी प्रॉब्लम है बता नहीं रहा है, इसका मतलब पक्का वो फर्जी था। तो प्लीज़ ऐसे कभी भी किसी अननोन पर्सन को नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, आप बताइए आप हमें देखते हैं आप हमें जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन है इंसान, लड़का है लड़की है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत माना कि उसे। मेरे ख्याल से वो बहुत फर्जी आईडी थी और वो मुझे बेवकूफ़ बना के मेरा नंबर लेना चाह रहा था, अच्छा हुआ मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ी। शाम का टाइम हो चुका है और ये सारे कपड़े जो बाहर थे अंदर हो गए हैं क्योंकि हल्की सी बारिश आई थी, बारिश हुई नहीं थी बस हल्की सी आई थी। और मुझे आइसक्रीम बनाना है, आटे का आइसक्रीम बनाना है, तो आज मैं बनाऊंगी। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं वो रेसिपी आपसे जब मैं खा लूंगी उसके बाद शेयर करूंगी ताकि मुझे पता चले कि अच्छा बनता है कि नहीं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज बनाऊंगी, आज रात में ही आटे का आइसक्रीम बनाऊंगी क्योंकि इस पीहू ना बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, रोज़ रोज़ पीछे पड़ी रहती है मम्मा आइसक्रीम, तो कल मौसम ठंडा था इसलिए नहीं बनाया लेकिन आज बनाऊंगी, तो कल हम लोग खाएंगे उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आटे का आइसक्रीम कैसा होता है। और यहाँ पे देखिए ये सारे सामान है और इसमें भी ये सारे सामान लाए हैं ये, और ये सामान लगभग 15 से 20 दिन पहले के लाए हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। और इसमें से बहुत सारा यूज़ भी होता रहा है, जैसे जब जरूरत पड़ी तो हम लोग यूज़ भी कर लेते हैं, तो आज इसे अच्छे से रखना है। अभी मैंने ठीक से देखा भी नहीं कि क्या क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आने के बाद तुरंत भी छूना था तो हम लोग छुए नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ी उनको निकाल भी लिया है, तो आज इनको अच्छे से सेट करूँगी, सब देखूँगी कहाँ कहाँ रख पाती हूँ। और अभी मिट्टू जग गई है तो जा रही हूँ उसे दूध पिलाने, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि मैं ये रखने जा रही थी लेकिन अभी मिट्टू जग गई है तो सबसे पहले उसे चुप कराना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे बात करती हूँ, सबसे पहले मैं मिट्टू को चुप करा लूँ। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ क्या, मम्मा आ रही है मम्मा आ रही है।
और मैंने 5 किलो अरहर की दाल मंगाई थी, क्योंकि हम लोग अरहर की दाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके पहले ये घर से आया था ना, वो ख़त्म हो गया, तो फिर 5 किलो लाए थे, फिर ये 5 किलो लाए हैं। हमें अरहर का दाल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिक्स वाला बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर अरहर की दाल ही बनाती हूँ और इसी डिब्बे में रखती हूँ। 5 किलो दाल मंगवाया था अरहर का, और 2 पैकेट काजू, और ये मैगी, ये पीहू के लिए है। इस पे ना एक बाउल फ्री है, वो कटोरी नहीं मिली है। और जीरा, रोस्टेड काजू, सेवैया है, ये इनो, और ये जीरा राइस, वो है जीरा क्रंच, और ये क्या था यार, अखरोट था, ये अखरोट, और ये मंगाया है जवे जवे किसमिस, 2 पैकेट मंगवाया था, और मिट्टू को बहुत पसंद है किसमिस, और ये हल्दी। मैंने इनसे बोला था गांठ वाली हल्दी लाने के लिए, तो इन्होंने ये वाली हल्दी ला दी, पाउडर वाली। और नारियल का गोला, हींग, और ये क्या है, ये है मैक्रोनी, और ये है क्या, वेल, 2 पैकेट वेल मंगवाया है कपड़ा साफ करने के लिए। और ये चीनी, 2 किलो चीनी, और सूजी 2 पैकेट, एक यूज कर दिया, अभी एक यूज करना बाकी है। बेसन, और ये मिट्टू के लिए है, उसकी दाल है, मूंग की दाल है, कभी पेट खराब हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मिट्टू के लिए या सबके लिए है, जब तबीयत खराब हो जाती है उसके लिए है मूंग की दाल। और ये नमक मंगवाया है, और ये मूंगफली मंगवाई है, अभी और मूंगफली लाए थे तो उसको नमकीन बना दिया था, तो फिर कभी जरूरत होती है ना मूंगफली की, तो फिर उसके लिए मंगवाया है ये। और ये भी सेवैया है, ये सेवैया है, और ये है पिस्ता है, ये या रोस्टेड है कि ऐसे ही है, नहीं रोस्टेड नहीं है, ये पिस्ता है। और ये है इमली मंगवाया, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, 1 साल तक आराम से चलता है, डिब्बे में भर के फ्रिज में रख दो तो खराब नहीं होता, तो ये इमली जब भी सांभर वगैरह बनाओ तो हमेशा चाहिए होता है। और ये पीयू के लिए सॉस, ब्रेड के साथ खाती है। और ये बादाम, और बड़ी इलायची, और ये देखिए पीयू के लिए बिस्किट, और ये रस्क है, रस्क है, रस्क, इसको रस्क बोलते हैं ना, हाँ रस्क, हम लोग क्या टोस्ट बोलते हैं, यहाँ पे रस्क बोलते हैं। बस इनो 2 पैकेट लाए हैं, इनो 2 लाए हैं, तो ये सारी चीजें मुझे अच्छे से भरनी है, देखते हैं कहाँ कहाँ भरती हूँ, चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद मैं सारे सामान सेट कर रही हूँ, 1 से 1.5 घंटा इसमें लग गया। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ना एकदम थकान सी हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, जब आपके पास जगह नहीं हो, या फिर सारे स्टोरेज बॉक्स जो थे ना सारे भरे हुए थे, किसी में कुछ था किसी में कुछ था, तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना कि कहाँ पे क्या रखें। फिर चूहे का भी डर है, वैसे चूहे परमानेंट घर में नहीं है, लेकिन ये ना छत से जाल उल है ना, तो जो एंटीना होता है ना टीवी का मोटा वाला था, उससे पकड़ के, या फिर जो छत से पानी के लिए जो होता है ना पाइप, उससे आ जाते हैं रात में, और ये सुबह भाग जाते हैं, तो चूहे ना काट देते हैं, पॉलिथीन वगैरह काट के खा सकते हैं, ये भी टेंशन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इधर से निकालो उधर रखो, इस डिब्बे से निकाल के उस डिब्बे में, कौन सी चीज़ कहाँ रखें, ये सब करने में ना एकदम थक गए। उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर खा पी के हम लोग सो गए, क्योंकि बहुत थकान हो, मुझे ना ये सब सेट करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब ये तो करना मजबूरी भी है। हमेशा जब भी एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा आ जाता है ना, एक साथ ढेर सारे सामान, फिर ये रहता है ना लॉकडाउन में बार बार मार्केट जाना सही नहीं रहता, तो जो चीज़ें हमें लगता है कि 10 दिन बाद ज़रूरत पड़ेगी उसे भी हम मंगा लेते हैं। तो ऐसे पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले मार्केट जाना जल्दी हो जाता था, लेकिन अब तो भाई एक तो टेंशन है कि दुकान नहीं खुली रहती, दूसरी टेंशन है कि भाई कहीं कोरोना ना हो जाए, तो इसलिए कोई चीज़ आती है ना तो 10-15 दिन तो यहाँ पे हम लोग छू भी नहीं सकते, इसलिए जो चीज़ मेरी ख़त्म होने वाली रहती है ना उसको मैं मंगा के रख ही लेती हूँ।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सेवैयाँ वगैरह हैं जो मैं भून करके भी रखूँगी बच्चों के लिए, भून के रखा हुआ है। ऐसे होता है ना कि बच्चों को कभी भूख लगी, छोटी छोटी भूख, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम बहुत थके हैं या हमारे पास कोई काम करें टाइम नहीं है, बच्चों को फटाक से सेवई दूध गर्म करके चीनी मिला करके खिला दिया। और कभी कभी तो पीहू को मिट्टी चाहिए तो भी मैं दे देती हूँ, और कभी अपना भी मन किया भाई कुछ थोड़ा सा चेंज कर लो तो सेवई बना के खा लिया। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करूँगी। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।